चैनल में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है अजय जी जो अंबेडकर नगर से MLA हैं। सर आज आप यहाँ आए हैं और एक कार्यालय का जो है वो यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, तो कई संगठनों को मिलाकर ये जो एक मोर्चा तैयार किया गया है यहाँ पर, और आप भी जो है वो वाल्मीकि समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते आ रहे हैं और आपने बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता ये भर दी है कि वो भी जो सोए हुए हैं वो जागे और आगे आए। तो सर ये जो कार्यालय का यहाँ मंच का आयोजन किया गया है तो इसमें कितने संगठन हैं जो वो सम्मिलित हुए हैं? देखिए यहाँ पर जो मेरी जानकारी में बताया गया है करीबन 15-16 संगठन है जिसमें सफाई मजदूर कर्मचारी संघ के बहुत सारे लोग हैं और दिल्ली की सरपंच कमेटी के बहुत सारे लोग हैं, स्वराज एक नई सोच के लोग हैं, दलित समाज के बहुत सारे संगठन उनके लोग हैं। और ये मंच बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है क्योंकि यहाँ पर आज समाज के बारे में, समाज वाल्मीकि समाज और दलित समाज के विषय पर बहुत मंथन हुआ, चर्चाएं हुई और एक ये निकल के आया कि पूरा समाज अगर साथ में रहे तो इस हमारे समाज में जो उसका जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको भी रोका जा सकता है और समाज के लोगों को शिक्षा में बढ़ाया जा सकता है और समाज के लोग राजनीति में भी अच्छा कर सकते हैं, सारे संगठित हों, एक साथ आएँ और इस पूरे समाज का विकास करें। इस पे आज बहुत मंथन और गहन चिंतन हुआ और मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए जिससे कि दलित समाज और वाल्मीकि समाज को देश में और पूरे विश्व में एक अलग दर्जा मिले, उनको सम्मान मिले, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं और उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले और उनको हर चीज़ में आगे बढ़ावा मिले। जो इस समाज की कुछ समस्याएं भी हैं सैलरी को लेकर, एरियल को लेकर या फिर अपनी कुछ जो इनकी पेंशन्स वगैरह जो बंद कर दी गई है और भी इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ की जो है वो ज़रूरत रहती है, तो क्या ये जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है क्या वो इनके हक के लिए लड़ेगी? क्या कोई कानून ऐसे बनाए जाएंगे? क्योंकि आप लोगों के पास तो बहुत बड़े स्केल पर वकील वगैरह भी है, तो क्या इनके हक के लिए लड़ाई करेगी जो ये सरकार है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोगों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप देखें कि जब पहली बार में हमारी 49 दिन की सरकार आई थी तो हमने बहुत सारे करीबन 6,500 लोगों को पक्का भी किया था। उसके बाद आज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वाल्मीकि समाज के लिए हो रहा है। आप शिक्षा में देखें सबसे ज़्यादा जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ वाल्मीकि समाज के लोग जाते हैं, दलित समाज के लोग जाते हैं और उनको शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को आ रहा है। आप हॉस्पिटलों में जाओ वहाँ देखें, वहाँ सारा गरीब और दलित समाज के लोग जाते हैं, उनको बहुत वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं। और आप देखें जो पेंशनों में हमने बढ़ावा किया है, पहले पेंशन 1,000 आती थी, आज हमने 2,500 उसको कर दिया है और बिजली पानी के रेट कम कर दिए, तो इसमें सब गरीब जो लोग हैं और जो दलित समाज से हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इसीलिए आप देखें कि पूरी दिल्ली में आज ये लहर है कि भाई सारा दलित समाज और पूरा जो गरीब समाज के लोग हैं वो सब आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। और रही बात बाकी फैसिलिटी देने की, तो मुझे लगता है कि आज ये स्थिति है कि LG ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, तो कुछ ऐसी समस्याएं जिनकी वजह से हम अभी पूरी तरीके से दलित समाज की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तो इसीलिए हमने एक निर्णय लिया है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसको पूर्ण राज्य बना लेंगे तो हमारे हाथ में वो सारी ताकत आ जाएगी जिससे कि हम गरीबों का, दलितों का, अपने समाज का उद्धार कर सकें। और उसी के भी पूर्ण राज्य की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और मुझे लगता है पूरे देश में ये मैसेज जा चुका है और दिल्ली में खासकर पूरा दलित समाज हमारे साथ खड़ा है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण राज्य लेकर रहेंगे। जागो समाज चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चैनल से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। साथ में देखिए जुड़ चुके हैं रविशंकर जी जो दिल्ली सफाई आयोग के सदस्य हैं और आज जो इनके बदौलत जो यहाँ पर कई संगठनों को जो इकट्ठा करके एक मोर्चा जो बनाया गया है और आम आदमी पार्टी को जो सौंपा गया है उसमें इनका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है कि हमारी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा मोर्चा नहीं है और सभी BJP और कांग्रेस की यूनियन है और हमने लगभग 3 महीने में इन सब यूनियन से बात करी, इनके संपर्क में रहे और हमने पहले ये 17 यूनियन हमने एक की थी और इनको अपना एजेंडा बताया था। आज ये
बड़ी खुशी की बात है कि आज 17 नहीं है, लगभग 20-22 हो चुकी हैं और सब पे एक ही हमने एजेंडा दिया था कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आम आदमी पार्टी ने जो जो कार्य और जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मजदूरों के लिए और सफाई कर्मचारियों के लिए जो कार्य किए हैं उनको आप सफाई कर्मचारियों और मजदूरों के बीच में जाके बताएंगे कि अगर कोई सरकार आपके लिए काम कर रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसलिए आज आप मजदूर संयुक्त मोर्चे का संगठन का जो है गठन किया गया था हमने, आज इसके पहले प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जो आदरणीय लोकसभा प्रभारी चांदनी चौक पंकज गुप्ता जी के हाथों से हुआ है। तो आपने जो आप जो बता रहे हैं 20 संगठन इसमें आ चुके हैं, तो ये संगठन जो है सक्षम है या वैसे चार आदमी लेकर संगठन बनाया हुआ है? नहीं, ये सभी जो है रजिस्टर्ड संगठन है जी। और रजिस्टर्ड मेरे ख्याल से चार आदमी का नहीं होता है, इनके पास सभी के पास अपने पास जो मेंबर्स हैं उन हैं इनके पास और सभी रजिस्टर्ड हैं इसमें। और हमने इसमें ना एक और बात रखी है कि इसमें एनजीओ भी आ सकती है, तो इसमें हमारी एनजीओ भी आ रही है, हमारे मेरे को सभी ने समर्थन जो है मुझे ही दिया है, मेरे नाम से दिया है और एनजीओ भी हमारे को ही दे रही है। और अब ये 20 या 22 हो चुकी हैं, इनमें से ये तो 25-27 हो जाती, कुछ हमने यूनियंस इसमें से बाहर कर दिए क्योंकि उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिल रही थी जी। तो हमने उनको 4-5 यूनियंस को बाहर कर दिया अभी, इसलिए 20-22 है ये अभी। और अभी इसका दायरा और बढ़ेगा, जिसकी विचारधारा हमसे मिलेगी, जिसका जो हमारे कार्य को समझेगा और फिर जो मजदूर और सफाई कर्मचारी की बात करेगा और सरकार के माध्यम से करेगा वो इसमें आमंत्रित है और वो आ सकते हैं। अच्छा रविशंकर जी, जो आपने जो इस मोर्चे में जो पदाधिकारी जो बनाए हैं जैसे अध्यक्ष प्रभारी या जो भी आपने पद दिए हैं, क्या आपने शक्ल देखकर किए हैं, उनकी शान और शौकत को देखकर किया है या उनके कार्य को देखकर किया है? देखिए, सभी ने ये अधिकार जो है जिस दिन इसका गठन हुआ था उस दिन ये सभी यूनियंस ने ये अधिकार मुझे ही दे दिया था कि रवि भाई हमें चाहे छोटे पद पे दें चाहे बड़े पद पे दें, जो भी पद हमें देंगे हम बाखूबी उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। और उसमें फिर मैंने जो जिसको जिस पद के लायक समझा, सक्षम समझा, उसको मैंने वो पद की जिम्मेवारी दी है और उसमें एक समय पीरियड भी रखा है कि अगर कोई पदाधिकारी अपने कार्य में सक्षम नहीं होता तो उसको हम हटा देंगे और दूसरे को अवसर देंगे। देखिए वैसे जो संजीव जावा जी जो हैं आपने अध्यक्ष बनाया उनको, तो उनके बारे में हमने सुना है कि वो काफ़ी मेहनती हैं और युवा हैं, तो इसलिए आपने उनको पद सौंपा है। और बाकी कई मतलब ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं इसमें और जो मतलब अपने काम में सक्षम भी रहे हैं और समाज के लिए और कर्मचारियों के हित में वो लड़े भी हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ भी जीती हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसको और आम आदमी पार्टी को मिलाकर क्या इस लड़ाई को जीता जा सकता है? बिल्कुल जीता जा सकता है। और ये जो संगठन आज तैयार हुआ उसमें जो हमारे जो जैसा आपने बताया कि कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती भी हैं, उन सभी को हमने देखते हुए उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनको हमने सबको पद उनके ऊपर रखे, अध्यक्ष पद से ऊपर रखा उनको और उन्हीं के सामर्थ्य से और उनके सूझबूझ से हमने ये नौजवान साथी अध्यक्ष बनाया, क्योंकि अध्यक्ष की जिम्मेवारी बड़ी भागदौड़ की होती है, इसलिए हमने संजीव जावा को अध्यक्ष बनाया। और इसमें जितने पद और थे मुख्य संरक्षक संरक्षक के नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे इसमें मुख्य संरक्षक हैं जिसमें और मुख्य संयोजक हैं, जैसे इसमें संरक्षक हैं अशोक अंजाना जी हैं और डिप्टी चेयरमैन हमारे कालराम लीडर जी हैं और इसमें चीना महाराज जी भी हैं इसमें और काफ़ी लोग हैं जो मैं अभी बता नहीं पा रहा आपको, ये प्रमुख नाम है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और उन्हीं के कहने से ये इस मोर्चे का गठन हुआ है कि रवि आप रविशंकर जी आपका कार्य को देखते हुए उन लोगों ने ही मुझे आमंत्रित किया था कि आप लोग इस ऐसे गठन का तैयार करें और हमारा पूरा समर्थन होगा। इसमें सबसे बड़ा जो दल है शिक्षा चतुर श्रेणी का है, जो इसमें सबसे बड़ा संगठन है जिसके संस्थापक और संचालक शिक्षा चतुर श्रेणी कर्मी मोर्चा, हाँ उसमें सबसे संस्थापक है श्री अशोक अंजाना जी, उसके बाद जो है हमारे कालराम लीडर जी वो बहुत फाइट लड़ते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा ये दल है और इन सभी दलों को मिला के हमने ये आज इस का जो है आप मजदूर संगठन का निर्माण किया है ताकि हम सभी सफाई मजदूरों की और मजदूरों की लड़ाई हम के सफाई कर्मचारी है वो आपसे क्या आस कर सकते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो पाएगा, वो जो
25 साल से 20 साल से जो अस्थाई पड़े हैं और वो स्थाई के लिए इंतजार कर रहे हैं और बुजुर्ग भी हो चुके हैं, जवान लगे थे लेकिन बुजुर्ग हो चुके हैं, क्या वो आपके मोर्चे से जो क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक सफाई कर्मचारी आयोग का मेंबर हूँ, मैं आयोग के माध्यम से भी वो लड़ाई लड़ूंगा और ये जो मोर्चा आज मैंने गठित करा है इस मोर्चे में इसके माध्यम से भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि सरकार अपने जो वादे किए हैं और अपनी जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उससे सरकार पीछे हटी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी पीछे हटे नहीं हैं, उन्होंने जो वादे किए थे सफाई कर्मचारियों को लेकर वो उन्होंने पूरे किए हैं। अब जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि निगम के अंदर बीजेपी है और बीजेपी 15 सालों से बैठी हुई है और बीजेपी ने, ये तो सरकार आज हमारी आई है 5 साल पहले 4.5 साल पहले, लेकिन बीजेपी तो 15 साल से बैठी हुई है, बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं करा, लेकिन ये सरकार जिसके अंडर एमसीडी आती भी नहीं है उसके बावजूद भी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की आवाज़ विधानसभा में उठाई और उन्होंने पक्का करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे पारित किए हुए भी आज 10 महीने हो गए हैं, लेकिन निगम के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और मेयरों ने उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा और उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि सफाई कर्मचारियों का उत्थान हो सके। तो जब दिल्ली का मुख्यमंत्री इस बात को मान रहा है, वो कैबिनेट में पास किया है, तो इसमें फिर अड़चन क्या आती है? अड़चन सिर्फ यह है कि केंद्र के अंदर बीजेपी है और निगम के अंदर बीजेपी है, एमसीडी जो है बीजेपी निगम के अधीन है और निगम जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इसमें दिल्ली सरकार जो है जी, जो दिल्ली सरकार कर सकती है वो तो कर ही रही है, जो दिल्ली सरकार नहीं भी कर सकती थी वो भी दिल्ली सरकार ने किया और सफाई कर्मचारियों की जो पक्के करने की मांग थी 22 सालों से 20 सालों से उसको किया और जो उनके सैलरी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी बजट को बढ़ा के दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एक अहम काम किया, जो एक प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि आज से पहले किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को के मुद्दे को विधानसभा में रखा ही नहीं है, विधानसभा के सेशन के अंदर इस बात को उठाया था और प्रस्ताव को पारित किया था। चलिए धन्यवाद सर। जागो समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जागो समाज चैनल से मेरा बड़ा अनुरोध भी है कि जिस तरीके से वो आज समाज को जागृत कर रहे हैं और हर कार्य में, चाहे वो कैसा भी कार्य हो, वो दलित समाज का हो चाहे वाल्मीकि समाज का हो, जागो समाज वहाँ पहुँचता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और समाज को जागरूक करने में जो उसका कार्य है और जो अहम भूमिका है उसको, उस जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को बाखूबी निभा रहा है। मेरी शुभकामनाएं जागो समाज चैनल और उसकी पूरी टीम को है। जय भीम, जय भारत। चलिए धन्यवाद सर। तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ में सफाई आयोग सदस्य रविशंकर जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य एक सुंदर तरीके से रखे। संजीव जावा जी जो दिल्ली प्रदेश कार्यालय के अध्यक्ष हैं और आज एक कुछ संगठनों को मिलाकर सर ने एक मोर्चा तैयार किया है, जिस मोर्चे को लेकर ये जो है दिल्ली प्रदेश कार्यालय का आज यहाँ शुभारंभ किया गया है। तो सर, आपको लगता है कि आपने जो एक बड़ी संख्या में संगठनों को मिलाकर एक जो मोर्चा तैयार किया है और आम आदमी पार्टी को आपने जो मोर्चा है वो उनके सुपुर्द किया है, तो आप सरकार से ये पूरी तरह से सहमत हैं कि वो सरकार आपको जो सपोर्ट पूरा करेगी इस समाज के लिए, जो समाज के कल्याण के लिए कार्य किए जाने थे वो उनको पूरा करेगी? जी, मैं आपके सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं जागो समाज का धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पर आए, और इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी हमने कार्यालय खोला है, अभी सरकार तक हमने भी नहीं बात नहीं पहुँचाई है और आगे हमारा ये विचार है कि पूरी टीम के साथ हम सीएम साहब से मिला जाए कि मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और हमें किस तरह से हमें सहयोग करेंगे। अभी हमने नाम तो दिया आम आदमी पार्टी मजदूर मोर्चे का, लेकिन क्या अभी हमें उनसे ये भी पूछना है कि हमारे मजदूरों के लिए वो क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, तो इसलिए कार्य का उद्घाटन किया गया है। तो सर, ये आपने जो ये मोर्चा जो ये यहाँ शुरुआत की है, तो ये स्पेशल आपने आम आदमी पार्टी को सौंपा है ये, क्योंकि आपको उनसे बहुत आशाएं हैं, तो सर एक स्पेशल उन्हीं के हाथ में मोर्चा, क्योंकि और भी पार्टी हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मगर स्पेशली ये जो सपोर्ट आपकी साइड से गया वो आम आदमी पार्टी को गया क्योंकि आपको उनसे काफी आशाएं हैं, तो बाकी की दो पार्टियों से आपको कोई आशाएं नहीं है सर? नहीं, दरअसल क्या, 70 साल से कांग्रेस का रास्ता उन्होंने भी हमारे लिए समाज के, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है वो भी हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हमें एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी लगी कि शायद ये हमारा कुछ, हमारे मजदूरों भाइयों का कुछ उद्धार कर सकती है, इसलिए हमने इनको समर्थन दिया है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस संगठन के साथ मिलकर एक डबल पावर का काम करेगी, तो मतलब आप सहमत हैं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से कि वो आपकी जो जो भी डिमांड है उनको पूरा करेगी और आपके सपोर्ट में हमेशा तैयार रहेगी? जी, मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर हमें वो समर्थन देना चाहेंगे तो हमारा संगठन भी उन पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार करेगा और आने वाले
वाले टाइम में जो 7-2 दिल्ली की सीटें हमारा मजदूर वर्ग उनको सारे वोट करेंगे उनको और जीत के लाएंगे दिल्ली की 7-2 सीटें। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।